हेलो नमस्कार दोस्तों, इस समय अपने यहाँ खेत पे आया हूँ और हमारे साथ कुछ हमारे मजदूर भाई हैं जो हमारे खेत में इस समय काम कर रहे हैं। इस समय खाना खाने की मुद्रा में लोग बैठे हैं, देख सकते हैं आप। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे जो जीवन के जो असल मुद्दे हैं कि सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, जो बोला जाता है कि नहीं हमें, हम जो भी हमारे देश के जो राष्ट्र के ऋणी हैं, जिन्हें अंतिम होता है ना कि हमारे देश में जो योजनाएं हैं उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है कि नहीं है, आज हम इनसे चर्चा करेंगे। पहले ये लोग खाना खा लें। नाम बताइए अपना। जितेंद्र। आपका? आपका? सोनू। आपका? टिंकू। आपका? आप? बोला। आपका? ये मुखिया हैं इन लोगों के, कमलेश जी। और ये हमारे साथ हमारे शनि यादव, हमारे छोटे भाई, जो इन लोगों को खाना परोस रहे हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर किसी भी सरकार की आलोचना करना है या उसके बारे में जानना है तो सबसे पहले आप उन लोगों से मिलिए जो एक मजदूर तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो परिश्रमिक हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो आज हम बात कराएंगे ऐसे लोगों से जो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं। सबसे पहले हम आपसे इनसे मिलाएंगे जो मुखिया हैं इस ग्रुप के, कह सकते हैं आप। तो आप हमें बताइए, इस समय जो हमारे राज्य में है योगी सरकार है, तो क्या आपको अपेक्षा है इनसे, क्या किए हैं आपके लिए, आपके समुदाय के लिए, कुछ बताइए आप इन्हें। इधर हो जाइए थोड़ा सा, बताइए आप। जैसे कि ये बताइए ना आप, हम भोजपुरी बोली, जैसे क्या है ना कि आप जो भी आपके जीवन में बदलाव आया है आपके समुदाय में, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखें किस सरकार का योगदान है, सपा सरकार या योगी? नहीं, सपा सरकार। सपा सरकार। अभी योगी सरकार मतलब कुछ आपको कोई योजना कुछ नहीं दी है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। और आप बताइए, आप कितने तक पढ़े लिखे हैं? पाँच तक। हे, कहाँ है डेरा तुझे? अच्छा, आप बताइए कि जो भी आजकल योजनाएं चल रही हैं, सब्सिडी वगैरह, गैस सिलेंडर है आपके घर में? नहीं, नहीं है ना? नहीं। अब देखिए, ये बात करते हैं कि हम समाज के जो अंतिम लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है चीज़ों का, अभी लोगों के पास नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारे समाज को मुख्य धारा में अगर मिलाना तो सबसे पहले इन लोगों को लाना पड़ेगा। ये बेचारे इतने मेहनती हैं, इतने परिश्रमिक हो के भी हमारी जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं ये कहीं तक नहीं पहुंची हैं। ये लोग अभी भी बस बात कर रहे हैं अखिलेश सरकार की, क्योंकि अखिलेश सरकार ने इन्हें सब कुछ दिया है। और कुछ बताना चाहेंगे आप सरदार जी? कुछ बताइए, क्या क्या मिला है आपको सपा सरकार से? बड़की कॉलोनी मिली है, बहुत बढ़िया। संदास मिला है जी, सोलर सोलर सेल मिला है, बहुत बढ़िया। ये सब अखिलेश सरकार ने दिया है। अच्छा अच्छा, और कोई अपेक्षा है कि मतलब अगर इस बार अगर सरकार अगर बनेगी, जैसे कि जो भी 2024 में जो चुनाव होगा राज्य स्तर का, तो आप योगी को चुनेंगे कि अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। आप? अखिलेश। अखिलेश। बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, आप लोग बताइए, मोदी को पसंद करते हैं कि नहीं? आप बताइए। नहीं पसंद करते हैं? बहुत बढ़िया। तू बताओ, तुमसे ज्यादा जानकारी मिली मोदी के पसंद करा लगना? नहीं। अच्छा, अखिलेश के। बहुत बढ़िया। जो भी हो मतलब अगर ये तबका खुल के अगर अपने विचार रख रहा तो बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। अच्छा, आप आगे आके बताइए। पैसा भी बंद किया। अच्छा, डिमोनिटाइजेशन, विमुद्रीकरण के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, जो अभी 500,000 के नोट बंद कर दिए थे, उससे आप लोगों का बहुत नुकसान हुआ ना? अब देखिए, ये लोग खुल के बोल रहे हैं कि इनका नुकसान हुआ है। और कोई ऐसी योजना जिनकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ आप लोगों का? पूरा उठिया देहात का उठिया ले लें पूरा, तो यानी हमने का विकास रहा है ले लिए। अच्छा, मोदी बहुत बढ़िया। कैसे रोजी रोटी रहे, कुल ले लिए कि नहीं ले लिए? सही, कंपनियां बंद हो गई हैं विमुद्रीकरण की वजह से। नहीं, सहमत हम आपकी बातों से।
और आप लोग कैसे, मतलब एक बीघे की कटाई के पीछे कितना रुपया लेते हैं? महंगाई के हिसाब से 1400 लेते हैं। 1400 पर बीघे की कटाई? अच्छा अच्छा, आप लोग बांधते हैं काटते भी हैं? और इसके बाद जब ये खत्म हो जाता, जैसे ये तो एक फसल है ना, उसके बाद आप लोग कौन सा रोजगार करते हैं? तो ये कटाई आलू बुआई करते, डाल मराई करते। अच्छा, दूसरों का? हाँ, बराबर करते। अच्छा, ये देखिए लोग हैं, ये लोग किसान हैं आप कह सकते हैं, दूसरों के खेतों में काम करना, फिर उसके बाद जो पैसा लेना। आप लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ की राज्य सरकार कोई कंपनी लगा दे जिसमें आप लोग भी वहाँ पे काम करें, पैसा लगा दे तो बढ़िया करेगा? आप चाहते हैं, बोलो। लगा दे तो बढ़िया करते हैं और सब सही, सब काम आप धंधा करते हैं और नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं। अब बीड़ी वाले भैया, और आप खोल के कहा जाते हैं, यहाँ कंपनी लगवा दे, जाए कंपनी लग जाए तो अच्छी बात है, लगवा दें तो सही। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे हैं अपनी, अभी अब खेत के पास ही अपने हैं, और अभी जो हम बता रहे थे हमारे खेत में इस समय काम कर रहे हैं, हमारे धान की कटाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही है कि मतलब जब लोग बोलते हैं कि समाज आजकल चल रहा है ना कि नहीं, मोदी सरकार ने सबका विकास किया, सबका साथ सबका विकास, पर ये लोग पीछे कैसे रह गए हैं, बहुत सोचने वाली बात है। देख लीजिए आप लोग, समाज का भी जो तबका है ना बहुत पीड़ित है, और ये लोग सीधे सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये हमारे साथ आज से नहीं, हमारे साथ जब से आज़ादी हुई हमारे देश की, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब से हमारे साथ ये भेदभाव की नीति है। हम एक समाज के द्वारा हमारा उत्पीड़न किया जाता है, हमारे बच्चों को स्कूल में भेजने पर वहाँ के लोग उपेक्षा करने लगते हैं, जिससे हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। दोस्तों, तो बहुत ही निंदनीय बात है। ये हमारा खेत, अभी आपने देखा हम बात कर रहे थे मजदूर भाइयों से, जो ये बताना चाह रहे थे कि जो सपा सरकार थी, जो अखिलेश का शासन था, वो बहुत ही बेहतर था, क्योंकि उनके शासनकाल में इन्हें तरह तरह की योजनाएं दी गई। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे परिवार में सोलर सेल लगा हुआ है, हमारे यहाँ जो शौचालय की व्यवस्था सपा सरकार ने कराई है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो कॉलोनी की बात ये लोग कर रहे हैं, इन्हें दी गई है। और अभी तक अगर हम बात करें कि जो इस समय की जो सरकार है, राज्य सरकार भाजपा की, इन्हें किसी प्रकार का कोई योजना नहीं मिला। तो दोस्तों, किसी भी देश का विकास तब होता है जब वहाँ की सरकार, जो जिन्हें अंतिम, जो अंतिम पायदान पर अगर उन्हें कोई चीज़ मुहैया कराई जा रही है, तब कहा जाता है कि उस देश का, उस समाज का विकास हो रहा है। और ये देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो कुछ लोग हैं जो 18 साल के बच्चे नहीं हैं, और हम बता दें कुछ लोग जो शिक्षा की बात करते हैं ना कि गरीब के हर एक तबके को हम शिक्षित करेंगे, तो मेरा मानना कैसे शिक्षा पहुंचाएंगे इन बच्चों को, आप कैसे बताएंगे कि नहीं, शिक्षा हमारे समाज में, हमारे देश में कितनी महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा स्थान रखता है। दोस्तों, हम सब, मेरा इस गवर्नमेंट से, इस देश से बस यही कहना है कि अगर आप विकास की बातें करते हैं तो ये लोग कहाँ हैं, आखिर इनका विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये बेचारे कहाँ हैं अभी, इनके बारे में आप सोचिए। कहते हैं ना कि देश हमारा आगे चला गया है, देखिए कहाँ देश चला गया है। इनके लिए रोज़गार तलाशना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोस्तों, ये फसल होने के बाद ये 10-15 दिन में इसकी कटाई हो जाएगी, उसके बाद इन्हें तराशना पड़ेगा कि कहाँ हम जाएं जहाँ हमें रोज़गार मिले। तो दोस्तों, इनके बारे में सोचना चाहिए, और ये बेचारे शिक्षित नहीं हैं, और जब शिक्षा के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, कैसे हम अपने बच्चे को पढ़ाएं। और सबको पता है माध्यमिक जो स्कूल हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनकी गुणवत्ता के बारे में सबको पता है। इन लोगों का सीधे सीधे कहना है कि वहाँ हमारे साथ भेदभाव का आरोप लगता है, जो हमारे समाज में और भी बच्चे हैं उनके साथ जब हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को वहाँ तब नहीं भेजेंगे अगर ये लोग आएंगे। तो दोस्तों, आज भी हमारे देश में ये छुआछूत, ये भेदभाव है। देखिए सरदार जी, आपके बच्चे पढ़ते हैं? हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ आजकल स्कूल में बहुत ज़्यादा पैसा वैसा ले रहे हैं, उसके अभाव में आप पढ़ा नहीं पा रहे अपने बच्चे को? हाँ।
तो क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? हमारा बच्चा जो कमाए गया दिल्ली छोटा। अच्छा, यह दोस्तों गांव का व्यू देख लीजिए, किसानों की जिंदगी। जैसा कि आज हमने बात किया, हमारे जो मजदूर दोस्त हैं, जैसा कि आपने सुना है, यही है जीवन। जो लोग बोलते हैं विकास हुआ है ना, अभी भी देख रहे हैं जो हमारे देश का मजदूर है किस तरह पीड़ित है और किस तरह आरोप लगा रहा है हमारी सरकारों के ऊपर। तो सही भी है, गलत भी है, अगर उनका विकास नहीं हुआ तो भाई आरोप तो लगाएंगे ही।